बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं नोइंग टू डिजिट नंबर। और टू डिजिट नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम 10 टू 99। ओके, इससे पहले आप मेरी पिछली वीडियो देख लेना जिसमें मैंने डाला था कि टू डिजिट नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है? उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप वीडियो जरूर देख लेना। और इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है नंबर नेम्स। 20 तक के नंबर नेम की वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, 1 to 20, 1 to 10 अलग डाली थी, 10 to 20 अलग डाली, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर नेम अप टू 2 digit नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर दिख रहा है 37, ठीक है? तो 37 जैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वैसे ही हमने इसको लिख देना है। 30 THIRTY, 1s और 10s। 10s का क्या हो गया, 30, 10s पे है इसलिए 30, पीछे जीरो की साउंड आ रही है, और ये 1s पे है इसलिए इसको हम सिंगल बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया 37। इसके बाद क्या है, 1 and 9, 19, 2 and 5, 20 और 5, 20 के क्या स्पेलिंग होते हैं, TWENTY, 20 और 5। इसके बाद आ रहा है 61, 60 के क्या स्पेलिंग होते हैं, SIXTY, 60 और 1। इसके बाद आ रहा है 84, EIGHTY, 80FOUR, 4। 46, 40 के, अब 40 में यू नहीं आता, 4 में यू आता है ना, 40 में देखो प्रोनाउंस करने में भी यू नहीं आ रहा, 40 बोल रहे हैं, FORTY, 41। 90, NINETY, 92। 78, SEVENTY, 70। इसके बाद हमने लिखना है 8, EIGHTY, 8। अब आएगा 53, FIFTY, 50 and 3, ठीक है? ये बहुत ईजी लग रहे होंगे ना आपको, ये बिल्कुल ईजी हैं, होप ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारा आता है हमें नंबर, जो नंबर हमने लिखे हैं उनके नंबर नेम लिखने हैं, नंबर नेम्स के नंबर लिखने हैं, ठीक है? हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है राइट नंबर्स ऑफ गिवन नंबर नेम्स। तो ये हम कैसे करेंगे, देखिए 37, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1s and 10s, ठीक है? क्योंकि हमारे 2 digit नंबर हैं, ठीक? तो 30, ये हमारा किस में आ रहा है, 10s प्लेस पे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है? जहाँ पर इस तरह के आ रहे हैं नंबर वो किस पे आ रहे हैं, सारे 10s प्लेस पे, मतलब 30 का मतलब है 10s प्लेस पर 3 आएगा, ठीक है? तो ये हमारा बन जाता है 10s प्लेस पर 3, 30। और 7, 1s प्लेस पर, क्योंकि 7 के पीछे कोई और साउंड नहीं है, तो 1s प्लेस पर 7, ये हमारा नंबर बन गया 37। 19, 1 and 9, 19। उसके बाद 25, मतलब 20 का मतलब क्या हो गया, 10s प्लेस पर 2 और 1s प्लेस पर 5, 25। 60 का मतलब क्या हो गया, 10s प्लेस पर 6 और 1s प्लेस पर 1। 80 80 का मतलब क्या हो गया, 10s प्लेस पर 8 है और 1s प्लेस पर हमारा 4 है। 40 का क्या मतलब हो गया, 10s प्लेस पर हमारा 4 है और 1s प्लेस पर हमारा 1 है, 41। इसके बाद 90, मतलब 9, 10s प्लेस पर हमारा 9 है और 1s प्लेस पर हमारा 2 है, 92। 78, 10s प्लेस पर हमारा 7 है और 1s प्लेस पर हमारा 8 है, बन गया 78। 50 मतलब 10s प्लेस पर 5 और 1s प्लेस पर क्या है हमारा 3। ये हमने क्या कर दिया, जो हमें नंबर नेम्स गिवन थे उनके हमने नंबर लिख दिए। तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कंपेयरिंग नंबर्स। हम टू नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया हुआ है 74 and
9। तो इन दोनों को हमने कंपेयर करने, हमने देखने कौन सा, कंपेयर करने का मतलब क्या, हमने देखना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने डिजिट है, 1 2, इसमें 2 डिजिट है और इसमें कितने डिजिट है, 1 2, इसमें भी 2 डिजिट है। ठीक है, इट मीन्स डिजिट वाइज हमारा नंबर बराबर हो गया। तो हम फर्स्ट नंबर को देखते हैं पहले टेंथ प्लेस वाले पे, कितना है, 7 है। इसमें फर्स्ट नंबर क्या है, 2 है, तो कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो बड़ा नंबर हमारा ये हो गया और छोटा नंबर हमारा ये हो गया, मतलब 74 हमारा बिग हो गया और 29 हमारा स्मॉल हो गया। ठीक है, अब कंपेयरिंग करने के लिए हम साइन यूज करते हैं, ये वाला। ठीक है, अब ये साइन क्या है, ये वो है लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, तो बड़े नंबर की तरफ हम मुंह खोलते हैं, जो ये हमारा मुंह खुला हुआ है ये बड़े नंबर की तरफ आएगा और छोटे नंबर की तरफ हमारी ये बैक आती है। ठीक है, तो इसमें बड़ा नंबर ये है, हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये ग्रेटर देन का साइन हो गया, 74 ग्रेटर देन 29। अगर हम इसको उल्टा लिख लें, ठीक है, 29 हमने इधर लिख लिया, 74 इधर लिख लिया, अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है, तो इसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे, तो ये वाला क्या हो गया, लेस देन। ये वाला साइन था ग्रेटर देन का, ये साइन है हमारा लेस देन का, 29 लेस देन 74 मीन्स 29 74 से छोटा है। यहाँ पे था 74 ग्रेटर देन 29, 74 29 से बड़ा है। और इससे एक और चीज आती है, हमारा साइन इक्वल टू, इक्वल टू कब लगाते हैं हम, जब दोनों नंबर हमें इक्वल दिए हैं। ठीक है, ये दोनों नंबर इक्वल होंगे तो इक्वल टू लग जाएगा। ये तो कंपेयरिंग नंबर का हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। ठीक है, पुट साइन, कौन कौन से साइन लगाते हैं हम, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, मान लो हमारे पास एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा, मान लो एक नंबर हमें दिया है 55 और दूसरा नंबर हमें दिया है 7। ठीक है, तो हम पहले डिजिट काउंट करते हैं, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है, तो ऑटोमेटिक 2 डिजिट वाला बड़ा हो गया, इसमें हमें फिर कुछ देखना ही नहीं है, जिसके डिजिट ज्यादा है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, अब हमारा क्या आता है, सेकंड पार्ट इसमें आता है, टिक द बिगेस्ट नंबर और टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आपके पास एक कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको बोल दे टिक द बिगेस्ट नंबर एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बिगेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, तो पहले हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि डिजिट कितने हैं, 2 2 2 2, सब में 2 2 डिजिट है। उसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट नंबर 8 7 6 4। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 वाला, तो हमने बिगर नंबर को टिक कर दिया। अब स्मॉलर, सबसे छोटा कौन सा है, 4 वाला, तो छोटे नंबर को हमने सर्कल कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास 79 5 27 88 ये नंबर दिए हों, तो फिर सबसे पहले हमने कौन सा करना है, नंबर देखने हैं, 1 2, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 1 वाला हमारा छोटा हो जाएगा, तो हमने छोटे को सबसे पहले सर्कल कर दिया। अब बिगर को हमने टिक करना है, तो बिगर कौन सा होगा, देखो इसमें 7 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, डिजिट सब में 2 2 ही है, इसमें 2 2 डिजिट थे, इसमें 1 डिजिट था, तो 1 डिजिट वाला तो छोटा हो गया ऑटोमेटिक। अब हमने इनमें बिगर डिजिट देखने, 7 2 और 8, सबसे बड़ा कौन सा है, 8, तो इसको हमने टिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया टिक द बिगेस्ट नंबर एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें एक टॉपिक और आ जाता है हमारा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसी को ले लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है, 5। ठीक है, हमने 5 लिख दिया, इसके बाद छोटा कौन सा है, इसके बाद छोटा 5 को हमने छोड़ दिया, अब इन 3 नंबर में से सबसे छोटा कौन सा हमारा, 27, फिर हमने 27 लिख दिया। इसके बाद हमने क्या देखना है, इन 2 को छोड़ के अब छोटा कौन सा बचा, 79 और 88 में से छोटा कौन सा है, 79, तो 79 को लिख दिया और सबसे एंड में 88 हो गया। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ये कैसे चलता है, बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। अब हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, दूसरा हमारा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे चलता है, बिग टू स्मॉल, ये चलेगा हमारा बिग टू स्मॉल, मतलब
सबसे पहले हमने सबसे बड़ा नंबर लिखना है। ये कैसे चला था, स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, ठीक है। ये चला था असेंडिंग ऑर्डर, चला था हमारा स्मॉल टू बिग, और डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा बिग टू स्मॉल। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है, 88। 88 के बाद कौन सा बड़ा है, 88 को छोड़ देंगे फिर कौन सा बड़ा है, 79। 79 को और 88 को छोड़ देंगे फिर कौन सा बड़ा है, 27। और फिर 3 छोड़ दिए, हमारा लास्ट नंबर बच गया 5। तो स्मॉल टू बिग हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, बिग टू स्मॉल हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये सब हमारे आते हैं कंपेयरिंग नंबर्स में, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक हमारा और आता है, क्या आता है, आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन। ये आपको मैं जब वन डिजिट वाले नंबर बता रही थी, 1 to 10 वाले, उसमें भी मैंने आपको बताया था आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन, आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन। हमें कोई भी नंबर दिया है, मान लीजिए हमें दिया है 95, ठीक है। 95 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, वो हमारा हो जाएगा बिफोर। 95 से पहले क्या आता है, 94, ये हमारा हो गया बिफोर, ठीक है। और 95 के बाद कौन सा नंबर आता है, 96, ये हमारा हो गया आफ्टर, ठीक है। अब 94 और 96 के बीच में कौन सा नंबर आ गया, 95, ये हमारा हो गया बिटवीन, ठीक है। तो आफ्टर बिफोर एंड बिटवीन आपके इस तरह से कवर होंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप टॉपिक आता है, शो नंबर्स ऑन अबेकस। अबेकस पे नंबर हम कैसे शो करते हैं, मान लीजिए हमने अबेकस पे शो करना है 72, ठीक है। अब वंस प्लेस पे हमारा 2 है और टेंथ प्लेस पे हमारा 7 है, ठीक है। तो वंस एंड टेंथ, ठीक है। वंस प्लेस वाला नंबर आ जाएगा 1 पर, तो वंस प्लेस वाला ये रोड है हमारी वंस प्लेस की, तो वंस प्लेस पे हमारा 2 है, तो इसमें हम 2 बीट्स लगा देंगे। टेंथ प्लेस वाली रोड ये है, इस रोड पे हमारे कितने आएंगे, 7, तो हम 7 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब मान लो हमने शो करना है 50, तो वंस प्लेस पे हमारा 0 है, टेंथ प्लेस पे हमारा 5 है, इट मीन्स वंस प्लेस वाली रोड पे हमारा कोई नंबर नहीं आएगा, और टेंथ प्लेस वाली रोड पे हमारे कितने नंबर आ जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा कितना हो गया, 72, और ये हमारा हो गया 50। अब हमारा आ रहा है फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। देखिए आपके पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए 87, अब इसमें हमारा वंस प्लेस पे 7 है और टेंथ प्लेस पे हमारा 8 है, ठीक है। हमारे पास 2 डिजिट आ रहे हैं इसमें, 8, 7 एंड 8। अब इसकी हमने फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है, तो हम दोनों डिजिट की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बता देते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, जो आपको वैल्यू दिख रही है वही फेस वैल्यू है। यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 ही आएगी, और 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। अब प्लेस क्या है, 7 कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे, ठीक है, और 8 कौन से प्लेस पे है, टेंथ प्लेस पे, ये इसका प्लेस हो गया, ठीक। अब हमने क्या बताना है, प्लेस वैल्यू। अब वंस प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू वही रहेगी, 7 ही रहेगी। अब ये टेंथ प्लेस पे है, 10 का मतलब 10, है ना, 10 में क्या लगता है, 10 लगती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेस फेस वैल्यू क्या उसकी, 8, बट है कहाँ पे, टेंथ प्लेस पे, तो 8 इसके साथ लग जाएगी, ठीक है। वंस की जगह 0 आ गया और 8 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 80, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, 94, ठीक है। अब इसमें 4 की फेस वैल्यू क्या होगी, 4 ही होगी, कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 4 ही हो गई। इसके बाद 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही होगी, है कौन से प्लेस पे, टेंथ प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 90,
टेंथ प्लेस पे 9 आ गया और 1 प्लेस पे 0 आ गया, तो प्लेस वैल्यू इसकी हो गई 90। होप आपको फेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं जितने भी आपको कंसेप्ट बता रही हूँ उनको आप अपने नोटबुक्स में, बुक में से अपने वो क्वेश्चन ट्राई करते रहिए। आपके पास जो भी बुक है उस बुक में से आप वो क्वेश्चन ट्राई करते रहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, और जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास नंबर है 27, अब हमने एक्सपेंड करने, जैसे इसमें कितने हैं, 2 डिजिट है, 1s और 10s वाला, तो सबसे पहले हम सबसे आगे जो डिजिट दिया उसको लेते हैं 2। 2 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 है, तो 10 आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस करके क्या बचा, 7। 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, कोई भी डिजिट नहीं है, तो 7 के साथ कोई 0 नहीं आएगी। ये इसकी हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। मान लीजिए हमने 30 की एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, तो क्या आ जाएगी, 30 प्लस सेकंड डिजिट आपका क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, मतलब सेकंड डिजिट इसका आएगा ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपने 7 की एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, अब 1s प्लेस पे तो आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, तो यहाँ पे 10s प्लेस पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 10s प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0। या आप 20s भी लगा सकते हैं ये शो करने के लिए कि 10s प्लेस पे 2 डिजिट आते हैं। 1s प्लेस पे आपका आ जाएगा 7, तो जो 0 वाला है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा होता है एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब हमारी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, ठीक है, आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म या कम्पैक्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म या इसको हम बोलते हैं कम्पैक्ट फॉर्म। जैसे आपको दिया हुआ है 20 + 7, इसको आपने लिखना है शॉर्ट फॉर्म में या कम्पैक्ट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, 20 + 7, मतलब 10s प्लेस पे हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे 1s और 10s लिख लेते हैं, 20 का मतलब 10s प्लेस पे 2 है और 1s प्लेस पे 7, 27। अब हमें 50 + 9 दिया हुआ है, इसकी कम्पैक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 1s प्लेस पे 9 है और 10s प्लेस पे 5 है। 30 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास 30 + 0 है या तो, ठीक है, यानी कि 1s प्लेस पे हमारा 0 है और 10s प्लेस पे हमारा 30, ठीक है। तो होप आपको शॉर्ट फॉर्म और कम्पैक्ट फॉर्म भी समझ आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, मतलब छोटे और बड़े नंबर। जैसे 1 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का 1 है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या होगा, 1 और 0, ठीक है। जब 2 डिजिट चाहिए तो फर्स्ट पे 1 आ जाएगा, बाकी पीछे पे 0 आ जाएगा, जितने भी हमें डिजिट चाहिए। अब देखिए 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1 हो गया, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 1, पहले पॉइंट पे तो आ जाएगा 1 और सेकंड डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। अगर हमने 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर करना है तो फर्स्ट प्लेस पे 1 आएगा और पीछे 2 0 आ जाएंगे, तो 3 डिजिट हो गया ये। अब ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9। अब 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 99, 2 डिजिट आ गए। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 999, इसमें 3 डिजिट आ गए, ठीक है। अब एक कंसेप्ट और है, अगर आपको डिजिट दिए हैं, मान लो हमें दिया है 4 और 8, इन 2 डिजिट्स को यूज करके हमने 2 डिजिट का ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाना है, तो इन 2 डिजिट को यूज करके ग्रेटर नंबर कौन सा बनेगा, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम आगे लिख देंगे 8 और 4, 8 बड़ा है 4 छोटा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या बन गया, 84। अगर 2 डिजिट, इन डिजिट को यूज करके 2 डिजिट का हमने स्मॉलर नंबर बनाना है, तो क्या करेंगे, स्मॉल वाले को पहले लिख देंगे और बड़े वाले को बाद में लिख देंगे, स्मॉलर नंबर बन गया 48, ठीक है। तो होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, समझ आ गए हैं
तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।